हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई पे आप तो बहुत बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली विश कर दीजिए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स से बताना कि आप लोग इस दिवाली क्या अच्छा काम करने वाले हैं। भाई लोग, अच्छा काम करने से याद आया, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे भी आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा, जिसके कारण भगवान आपकी इस दिवाली पर सभी मुरादों को पूरी करेंगे। तो प्लीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई लोग, मैं आपको सबसे पहले प्राइज पैक के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अल्टीमेट सेट के न्यू चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ। भाई लोग, अगर आप BGMI के अंदर प्राइज पैक परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग आज ही कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में ये वाला प्राइज पैक BGMI के अंदर से रिमूव हो जाएगा। भाई लोग, मैंने तो प्राइज पैक को परचेस नहीं किया, अगर आपने प्राइज पैक को परचेस किया है तो आप लोग इसके मिशन को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आज लास्ट डे। अगर आप लोग इसके मिशन को कंप्लीट करते हैं तो आप लोग इसकी मदद से क्रेट ओपनिंग कर सकते हैं और किसी भी आइटम को रिडीम कर सकते हैं। अगर आपने इसके सभी मिशन को कंप्लीट कर दिया है तो आप लोग इसके अंदर क्रेट ओपनिंग कर लीजिए। अगर आपके लक ने साथ दिया तो आपको यहाँ से एक और मिथिक कैरेक्टर मिल सकता है, और अगर आपका लक बहुत ज़्यादा हाई फाई है तो आपको इसके अंदर से दोनों मिथिक कैरेक्टर मिल सकते हैं। भाई लोग, हमारे BGMI के अंदर 8 दिन बाद ग्रोइंग पैक का इवेंट आने वाला है। आप लोग ग्रोइंग पैक इवेंट के अंदर मिशन कम्प्लीट करके बड़ी आसानी से डील वाउचर को ले सकते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स से बताना कि आपके पास इन्वेंट्री में फ़िलहाल कितने डील वाउचर हैं। तो चलिए भाई लोग, मैं आपको सबसे पहले 3.5 अपडेट में आने वाले फर्स्ट अल्टीमेट सेट के बारे में बता देता हूँ। भाई लोग, आपको 3.5 के अपडेट में फर्स्ट ये वाला अल्टीमेट सेट देखने को मिलने वाला है। आपको इसके साथ में एक ग्लेशियर UG की स्किन देखने को मिल जाएगी। आप लोग इस UG का लुक चेक कर सकते हैं। भाई लोग, ये UG की स्किन लेवल 8 की होने वाली है। आपको इसके साथ में ग्लोरियस मोमेंट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग इसकी लूट क्रेट को भी चेक कर सकते हैं। सच्चे भाई लोग, इसकी लूट क्रेट बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स से बताना कि आपको ये वाली UG की स्किन कैसी लगी। भाई लोग, इंडिया के एडेड प्रियंक गेमिंग बाइटी को जाता है। आपको उनके चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनके भी चैनल को चेकआउट कर लेना। भाई लोग, आपको इस UG के साथ में ग्लेशियर UMP की स्किन देखने को मिलने वाली है। भाई लोग, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि हमें फर्स्ट अल्टीमेट सेट के साथ में AKM की स्किन देखने को मिलने वाली है। भाई लोग, मुझे लीक्स के अंदर पहले यही पता चला था, मुझे क्या सभी यूट्यूबर को पहले यही पता चला था। उसके बाद लीक्स के अंदर कुछ चेंजेस हो चुके हैं, जिसके कारण हमें UMP की स्किन फर्स्ट अल्टीमेट सेट के साथ में देखने को मिलने वाली है। भाई लोग, मैं आगे आपको इसके प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग UMP ग्लेशियर को निकालना चाहते हैं तो आप लोग 20 नवंबर तक प्राइम प्लस को परचेस कर लेना, क्योंकि भाई लोग, हमारे BGMI एंड PUBG के अंदर 27 नवंबर को फर्स्ट अल्टीमेट सेट आने वाला है, जिसके साथ में UG की स्किन और रिटर्निंग में UMP ग्लेशियर आने वाली है। इसलिए अगर आप लोग UMP को निकालना चाहते हैं तो आप लोग 20 तारीख से पहले प्राइम प्लस को परचेस कर लेना, जिसके कारण आप लोग इस UMP के अंदर दो बार प्राइम प्लस की मदद से क्रेट ओपनिंग कर सकते हैं। और भाई लोग, आपको तो बताइए, हमारे BGMI के अंदर अल्टीमेट सेट की टाइमिंग 1 मंथ होती है। अगर आप लोग डेली 10-10 UC में एक क्रेट को ओपन करते हैं तो आपकी यहाँ पे 30 क्रेट 300 UC में ओपन हो जाती हैं, और अगर आप दो बार प्राइम प्लस की मदद से इसके अंदर क्रेट ओपनिंग करेंगे तो आपकी 60 क्रेटें 1200 UC में ओपन हो जाएंगी। इस तरीके से आप लोग टोटल 1500 UC के अंदर इस UMP की स्किन को निकाल सकते हैं। भाई लोग, आप हमें कमेंट बॉक्स से बताना कि आपको ये वाली UMP की स्किन कैसी लगती है। इसके बाद आपको 3.5 के अपडेट में सेकंड एक और अल्टीमेट सेट देखने को मिलने वाला है। आप लोग इस अल्टीमेट सेट को चेक कर सकते हैं। भाई लोग, आपको इस अल्टीमेट सेट के साथ में एक लेवल 7 की स्कारल की स्किन देखने को मिलने वाली है। आप लोग इस स्कारल का लुक भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सेकंड अल्टीमेट सेट के साथ में रिटर्निंग में एक AKM की स्किन देखने को मिलने वाली है। भाई लोग, सच में ये वाली AKM की स्किन बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप लोग इस AKM की स्किन को निकालना चाहते हैं तो आपको प्राइम प्लस को 20 दिसंबर के आसपास परचेस करना है, क्योंकि भाई लोग, सेकंड अल्टीमेट सेट हमारे BGMI के अंदर 27 दिसंबर को आने वाला है, और 27 दिसंबर को आपको इसके साथ में रिटर्निंग में स्टार सी एडमिरल AKM की स्किन देखने को मिलने वाली है। भाई लोग, ये लेवल 8 की AKM होने वाली है। अगर आपकी AKM फेवरेट है तो आप लोग इसे मात्र 1500 UC में निकाल सकते हैं। आपको इसे निकालने के लिए दिसंबर में 20 तारीख से पहले प्राइम प्लस को परचेस करना है, क्योंकि ये वाली AKM की स्किन 27 दिसंबर को आने वाली है। इसलिए आपको 20 दिसंबर को प्राइम प्लस को परचेस कर लेना है, और आपको 27 दिसंबर को इसके अंदर प्राइम प्लस के वाउचर का यूज करके क्रेट ओपनिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको दोबारा से 20 जनवरी को प्राइम प्लस को परचेस करना है, और आपको सेकंड बार इस AKM के अंदर प्राइम प्लस की मदद से क्रेट ओपनिंग कर लेनी है। भाई लोग, सेकंड अल्टीमेट सेट की टाइमिंग 27 दिसंबर से लेके 27 जनवरी होने वाली है।
इसलिए आप लोग इसके अंदर दो बार प्राइम प्लस की मदद से क्रेट ओपनिंग कर सकते हैं। साथ में आप लोग डेली 10 यूसी में एक क्रेट को ओपन करके यहाँ पे 300 यूसी में 30 क्रेट को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से भाई लोग आपकी यहाँ पे टोटल 90 क्रेट ओपन हो जाएंगी। आपकी 60 क्रेट है प्राइम प्लस की मदद से और आपकी 30 क्रेट है डेली बेसिस पर। भाई लोग अगर आप इस तरीके से 90 क्रेट को ओपन करते हैं तो आपकी उसके लिए मात्र 1500 यूसी लगने वाली है। और आपको तो पता ही, जब हम अल्टीमेट सेट के अंदर 70 क्रेट ओपन करते हैं तो हमें उसके अंदर एक गारंटेड में जेम मिल जाता है। और भाई लोग आपको 90 क्रेट के अंदर नॉर्मली एक जेम तो क्रेट ओपनिंग में निकल जाता है, इसके अलावा आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा मिनी जेम मिलते हैं। अगर आपको 90 क्रेट ओपन करने पर 50 मिनी जेम मिल जाते हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से 3 जेम के अंदर इस 1 एम की स्किन को रिडीम कर सकते हैं। भाई लोग मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमें रिटर्निंग अल्टीमेट में यूजी के साथ में 1 एम और स्कारल के साथ में यूएमपी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भाई लोग बार लीक्स के अंदर हमें यही पता चला था तो मैंने आपको वो वाली इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन उसके बाद BGMI की तरफ से एक पिक्चर आती है, वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको 3.4 अपडेट के अल्टीमेट सेट को दिखा देता हूँ। भाई लोग आप देख सकते हैं, मैं 3.4 के अपडेट में फर्स्ट अल्टीमेट सेट के साथ में ग्रीन वाला अल्टीमेट सेट देखने को मिल रहा है, और इस पिक्चर के अंदर हमें सेकंड अल्टीमेट सेट के साथ में ग्लेशियर ब्रिड अल्टीमेट सेट देखने को मिल रहा है। भाई लोग हमें ये वाली पिक्चर 3.3 अपडेट के टाइम पे देखने को मिली थी। इसी तरीके से हमें 3.4 अपडेट के टाइम पे, मतलब इस अपडेट में, ये वाली पिक्चर देखने को मिल रही है। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, हमें इस पिक्चर के अंदर फर्स्ट अल्टीमेट सेट के साथ में यूएमपी वाला अल्टीमेट सेट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमें सेकंड अल्टीमेट सेट के साथ में 1 AM वाला अल्टीमेट सेट देखने को मिल रहा है। भाई लोग इस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट अल्टीमेट सेट के साथ में यूएमपी और सेकंड अल्टीमेट सेट के साथ में 1 AM की स्किन देखने को मिलने वाली है। बालक सच में इस बार BGMI वाले हमारे दिमाग से खेल रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे फर्स्ट अल्टीमेट सेट स्कारल वाला देखने को मिल रहा है और सेकंड अल्टीमेट सेट हमें यहाँ पे यूजी वाला देखने को मिल रहा है। सच में बालक इस बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमें ये वाली पिक्चर भी गलत देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको पिछले अल्टीमेट सेट को दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें इस पिक्चर के अंदर सीरियल वाइज अल्टीमेट सेट देखने को मिल रही है। हमें 3.4 के अपडेट में फर्स्ट गर्ल वाला अल्टीमेट सेट देखने को मिला था, उसके बाद हमें सेकंड वुल्फ वाला अल्टीमेट सेट देखने को मिला था। आपको इस पिक्चर के अंदर भी सेम टू सेम वही अल्टीमेट सेट फर्स्ट और सेकंड देखने को मिल रही हैं, लेकिन हमें इस वाली पिक्चर के अंदर अल्टीमेट सेट आगे पीछे देखने को मिल रही हैं। मान लो हमें लीक्स के अंदर फर्स्ट अल्टीमेट सेट यूजी वाला देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस पिक्चर के अंदर फर्स्ट अल्टीमेट सेट स्कारल वाला देखने को मिल रहा है। सच में भाई लोग इस बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कुछ टाइम बाद ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। भाई लोग जैसे ये सभी चीज़ें कंफर्म, मतलब जैसे इनके लीक्स कंफर्म होते हैं, तो मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि भाई लोग मैं भी यूएमपी ग्लेशियर को निकालने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, लगभग 20 दिन, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैं आपको सभी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। भाई लोग सच में इस बार BGMI वाले बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग से खेल रहे हैं, तो भाई लोग आप थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा वेट कीजिए। भाई लोग आपको कल PUBG मोबाइल के अंदर ऑनर स्पिन देखने को मिलने वाली है। BGMI के अंदर इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि आपको ये स्किन BGMI के अंदर कल देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि ये वाली स्किन BGMI के अंदर 1 से 2 दिन डिले भी हो सकती है। लेकिन भाई लोग PUBG मोबाइल का कंफर्म है कि आपको ये स्किन PUBG मोबाइल के अंदर कल 1 तारीख को देखने को मिल जाएगी। भाई लोग आपको इसके अंदर बहुत ही खतरनाक अल्टीमेट सेट देखने को मिलने वाला है, आप लोग इस अल्टीमेट सेट को चेक कर सकते हैं। भाई लोग अगर आप इस अल्टीमेट सेट को निकालना चाहते हैं तो आपकी इसके अंदर कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वाउचर यूज नहीं होता है। अगर आप इसके अंदर प्राइम प्लस की मदद से क्रेट ओपनिंग करना चाहते हैं तो आप लोग भूल जाइए, क्योंकि इसके अंदर प्राइम प्लस वाले वाउचर बिल्कुल भी यूज नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा यूसी हैं तो आप इसके अंदर क्रेट ओपनिंग कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह नॉर्मल बंदे हैं तो आप लोग इसके अंदर डेली 10 UC में अपने लक को आजमा सकते हैं। मालूम मुझे इस ऑनर स्पिन के अंदर पिछली बार 1 AM की स्किन मात्र 10 UC में मिली थी, मुझे इसके अंदर मात्र 1 AM की स्किन मिली थी ऑनर स्पिन के अंदर, उसके अलावा मुझे एक भी कचरा आइटम तक नहीं मिला था। तो भाई लोग अगर आपको इसके अंदर कोई भी आइटम ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप लोग इसके अंदर 10 UC में अपने लक को आजमा सकते हैं। ये वाली स्पिन हमारे BGMI के अंदर लगभग 3 मंथ तक रहने वाली है, तो आप लोग इसके अंदर डेली 10 UC में क्रेट ओपन करके 900 UC में 90 क्रेट को ओपन कर सकते हैं। भाई लोग आपको इस ऑनर स्पिन के अंदर ये वाली बैरल की स्किन 2 फॉर्म में देखने को मिलने वाली है, फर्स्ट व्हाइट एंड सेकंड ब्लू। आप लोग देख सकते हैं आपको 3.5 के अपडेट में ज़्यादातर आइटम ग्लेशियर देखने को मिल रहे हैं। आपको 3.5 के अपडेट में UMP ग्लेशियर, UG ग्लेशियर, स्कारल ग्लेशियर, ये वाली बैरल ग्लेशियर,
भाई लोग सच में यार 3.5 की अपडेट में तो ग्लेशियर का मेला लगने वाला है। BGMI वाले बहुत से बंदों को 3.5 की अपडेट में लूटने वाले हैं, क्योंकि बंदे BGMI के अंदर ग्लेशियर चीज के पीछे पागल हो जाते हैं। भाई लोग मैं भी ग्लेशियर के लिए पागल हूँ, इसीलिए मैं भी UMP ग्लेशियर को निकालने वाला हूँ। आप लोग इसके रिवॉर्ड चेक कर सकते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा आज बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि भाई लोग बाहर सब लोग दिवाली मना रहे हैं और मैं अंदर वीडियो बना रहा हूँ। मुझे भी बाहर जाके दिवाली मनानी है। मैं सोच रहा हूँ जल्द से जल्द ये वाली वीडियो ख़त्म हो जाए। भाई लोग मुझे मात्र आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अल्टीमेट सेट के अंदर फिलहाल लोचा चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें आगे पीछे मतलब गुड़ का गोबर कर रखा है BGMI वालों ने। BGMI वाले इस बार हम लोगों के माइंड के साथ खेल रहे हैं, इसलिए भाई लोग सच में इस बार तो अल्टीमेट के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट है। कोई नहीं भाई लोग, एक दो दिन में सभी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी तो हम आपको उसके बारे में न्यूज भी दे देंगे। लेकिन भाई लोग अब जहाँ तक है मुझे यही लगता है, मतलब लगता क्या है कि कन्फर्म ही मानो आप लोग कि आपको फर्स्ट अल्टीमेट सेट के साथ में UMP और सेकेंड अल्टीमेट सेट के साथ में AKM देखने को मिलने वाली है। भाई लोग मैं तो इसीलिए 20 तारीख से पहले पहले प्राइम प्लस को परचेस कर लूँगा, क्योंकि मुझे UMP की स्किन निकालनी है तो निकालनी है, क्योंकि हमें अल्टीमेट के अंदर से 3 जेम में गन स्किन मिल जाती है। तो भाई लोग 3 जेम तो नॉर्मली निकल जाएंगे 2 प्राइम प्लस और 30 क्रेटों के अंदर। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स से बताना कि आप लोग किस गन को निकालने वाले हैं। भाई लोग आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि BGMI वालों को कुछ भी नहीं पता है, लीक्स के अंदर फिर से हेरा फेरी हो सकती है। आपके पास अभी बहुत टाइम है, आपको 20 जनवरी, भाई यार कितने पटाखे चल रहे हैं आप लोग सुन सकते हैं। भाई लोग आपको 20 तारीख से पहले प्राइम प्लस को परचेस करना है, तो मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको किस टाइम पे प्राइम प्लस को परचेस करना है। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई लोग। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर वो वाली इन्फॉर्मेशन दी थी। भाई लोग पिछली बार लीक्स में हमें यही पता चला था, कभी उनकी लीक्स मतलब कभी भी उनकी भाई यार कितने पटाखे चल रहे हैं आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। सच है भाई लोग, दिवाली का त्यौहार तो मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स से बताना कि आपका फेवरेट त्यौहार कौन सा है। भाई लोग मैं आपसे एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। भाई लोग मैंने तो आपको सही इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि मुझे लीक्स के अंदर पहले वही पता चला था, लेकिन उसके बाद BGMI वालों ने फिर से चेंजेस कर दिए। और भाई लोग पता नहीं कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो आप लोग BGMI वालों पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो कभी भी हमारे अरमानों पर पानी फेर सकते हैं। तो भाई लोग लास्ट ऑफ द लिस्ट मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, ये चीज़ें कुछ टाइम बाद सभी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। तो भाई लोग यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज दिवाली और मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आप लोग मुझे आज और खुश करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर हो सके तो प्लीज़ इस दिवाली पर मेरे चैनल पर भी बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। तो भाई लोग अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइस। एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हों। जब आप लोग BGMI के अंदर क्रेड ओपनिंग करें तो आपको सबसे पहले अपग्रेडेबल गन मिल जाए, और अगर आपकी कोई और इच्छा हो तो भगवान आपकी वो इच्छा भी पूरी करे। भाई लोग सच में मेरी दिल से यही दुआ है। तो अब मैं जा रहा हूँ दिवाली सेलिब्रेट करने। गुड बाय भाई लोग।